नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में हम कई मुद्दों को लेकर बात करते हैं जो आपकी सेहत से जुड़े हुए होते हैं, कि आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को सही कैसे रख सकते हैं, बिजी शेड्यूल में आप किस तरह से अपनी हेल्थ के लिए समय निकालें। लेकिन आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एनिमल्स की, पेट्स की। बहुत से लोग हैं जो एनिमल लवर होते हैं, जो पेट्स लवर होते हैं, वो अपने घर में पेट्स तो ले आते हैं, अगर हम डॉग्स की बात करें, कैट्स की बात करें, लेकिन उनका ख्याल ठीक से नहीं रख पाते हैं, उन्हें बेहतर इन्वायरमेंट नहीं दे पाते हैं, जिनकी वजह से कई बार जो पेट्स हैं उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे कि हम पेट्स जो हैं, जो हम पालते हैं अपने घर में, उनका ख्याल कैसे रखें, उनको क्या खिलाया जाए, उनकी हेल्थ कैसे मेंटेन रखी जाए, क्या बीमारियां हैं जो उनसे जुड़ी हुई होती हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ एक पेट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रहलाद कुमार खोखर जी हैं, जो डायरेक्टर हैं वेटरिनरी सर्विसेज के MCD में, और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वो DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जूलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रहलाद जी, सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। और सबसे पहला सवाल सर मेरा यही होगा, क्योंकि एनिमल लवर्स बहुत होते हैं लेकिन हम घर में अपने घर में पेट्स भी ले आते हैं, अगर हम डॉग्स की बात करें, कैट्स की बात करें, लेकिन उनका ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि कौन लोग पेट्स को पालें, अपने घर में रखें, और कौन लोग नहीं रखें। देखिए, इंट्रोडक्शन आपने मेरा दे दिया, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा आपको कि पेट पालने से पहले कुछ जनरल गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि हमारा घर कितना बड़ा है, और उसके लिए केयर के लिए हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पर्सन या कोई हमने कोई सर्वेंट कोई रख रखा कि नहीं रखा। लोग क्या करते हैं कि पेट तो पाल लेते हैं बट उसके टाइम डिवोट नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो जितने भी मेट्रो सिटीज हैं सब न्यूक्लियर फैमिली हैं, वाइफ हस्बैंड दोनों जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज चले जाते हैं और पेट पाल लेते हैं। पेट को अकेला लोनलीनेस फील होता है, उसकी केयर के लिए, उसके फीडिंग के लिए, उसकी हाउसिंग के लिए उसको टाई अप करके, उसको टीटर चेन से बांध करके लोग चले जाते हैं। पूरा दिन वो उसके लिए मैड कभी कभी आती है, खाना देती है, बट उसकी उसको घुमाना भी जरूरी है, उसको खिलाना भी जरूरी है, उसके लिए स्पेशल जगह भी चाहिए। वो सब जरूरी चीजें सबसे पहले प्राइमरी चीज ये है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, पेट पालने से पहले लोगों को एक वेटरनेरियन के पास जाना चाहिए। वेटरनेरी डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं इन एनिमल्स में, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सी ब्रीड पालनी चाहिए, क्योंकि ब्रीड पालने के पर्पज होते हैं। पर्पज इसमें क्या होता है, पेट्स में स्मॉल ब्रीड, मीडियम ब्रीड एंड लार्ज ब्रीड। स्मॉल ब्रीड हमेशा एक टॉयज की तरह होती है, आप घर पे उसको जैसे टॉयज बच्चों के साथ टॉय के साथ खेलते हैं, ऐसे टॉय ब्रीड होती है। एक मीडियम ब्रीड होती है, वो थोड़ा सा फ्यूरियस होती है, प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हैं, घर पे प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हैं। तीसरी ब्रीड लार्ज ब्रीड होती है, जो बड़े बड़े फार्म हाउसेज या बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े मकान होते हैं, उनमें डॉग्स को लार्ज ब्रीड को रखा जाता है। ये हम ओनर्स जो भी हमारे पास आता है एडवाइस लेने के लिए, पूछने के लिए मुझे कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए, कितने फैमिली मेंबर है, ये सब हम उनको एडवाइस करते रहते हैं। बीच में जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो पेट को अच्छी तरह रख लेते हैं, क्योंकि उसके रख रखाव बहुत जरूरी है। बिना रख रखाव के पेट्स पालना उसके लिए इनजस्टिस है, उसके लिए क्रुएल्टी है। यस। और सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि लोग घर में डॉग की बात करें, कैट्स की बात करें, वो ले तो आते हैं, पाल तो लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर हम एनिमल को घर पे ला रहे हैं, कुत्ते को या फिर बिल्ली को, तो हमारे फैमिली का वो पार्ट हो जाता है, हमारे लिए उसकी जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक शौक के तौर पर वो ले तो आते हैं लेकिन उतनी जिम्मेदारी से उन्हें रखते नहीं हैं, उनका ख्याल नहीं रखते। तो क्या क्या दिक्कतें ऐसे लोगों के लिए मैं जानना चाहूँगी कि जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जिनके घर में अभी पेट नहीं है लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में अपने घर में पेट लाएंगे, तो वो क्या दिक्कतें हैं जो उनको उनके सामने उनको फेस करनी पड़ती है और किन किन बातों का वो ख्याल रखें। यस, देखिए पेट, अगर आप एक बार वंस यू हैव टेकन द पेट इन योर हाउस,
सबसे पहले तो उसको जो है ना फर्स्ट मीटिंग उसकी वेटनरी डॉक्टर के साथ होनी चाहिए और उसको जो है ना सबसे पहले उसका फिजिकल चेकअप होना चाहिए कि पेट इज हेल्दी और नॉट। दूसरी बात क्या है कि पेट्स के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। छोटा बच्चा होता है उसको आपको लोग क्या करते हैं कि अनलिमिटेड उसको फूड दे देते हैं, वो अनलिमिटेड फूड नहीं देना चाहिए। एवरी 3-4 आवर इंटरवल्स पर उसको एज पर बॉडी वेट उसको वेट देना चाहिए। लोग क्या करते हैं ओवर फीडिंग कर देते हैं, उसको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉट हो जाता है और वो फिर उस सीधे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। दूसरा उसका ग्रूमिंग का आपको ध्यान रखना है। ग्रूमिंग चाहे वो मतलब पप्पी है चाहे वो बड़ा डॉग है, छोटे पेट्स में छोटे पपीज में हमेशा एक ड्राई शैम्पू यूज करना चाहिए, उसको डायरेक्ट पानी से नहीं नहलाना चाहिए क्योंकि पानी से नहलाने से क्या होता है वो जो है ना वो ग्रिप में आ जाता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, बच्चे में इम्यूनिटी बहुत कम होती है। कभी भी उसको पानी से नहीं नहलाना चाहिए एट द एज ऑफ 3 मंथ, 3-4 महीने तक उसको पानी से नहीं नहलाना चाहिए, ड्राई शैम्पू यूज करना चाहिए जी। दूसरा उसकी सबसे पहले डिवर्मिंग जरूरी है। जैसे आप पेट घर पे लेके आएंगे क्योंकि वर्म्स बनने की टेंडेंसी होती है पेट्स में, जैसे हमारे बच्चों में भी वर्म्स की हम लोग दवाई देते हैं ऐसे इनमें भी वर्म्स की टेंडेंसी होती है, उसकी डिवर्मिंग एवरी मंथ आपको डिवर्मिंग करनी है। उससे क्या होगा कि उसको इन्फेक्शन कम से कम होगा, उसकी ग्रोथ, उसकी हाइट, उसकी हेल्थ वो अच्छे तरीके से होगी। तीसरा क्या है कि इनकी जो ग्रोथ है पेट्स की जो ग्रोथ है इनका जो मैच्योरिटी जो एज है वो 8 मंथ to 1 ईयर में इनकी मैच्योरिटी आ जाती है। आपको सिंस द बिगनिंग इनको मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम ये आपको देते रहना है क्योंकि इनका जो है ना जैसे हमारा बच्चा 18 इयर्स में यंग हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, इनमें 1 ईयर में जो है ना मैच्योर हो जाता है। तो उसके लिए कैल्शियम, मल्टीविटामिन है, मिनरल्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, वो सब दिए जाते हैं। तीसरा क्या है वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। आज के टाइम में अगर आप अपने पेट को वैक्सीनेट नहीं कराएंगे तो इसका उसके साथ आप इंजस्टिस कर रहे हैं और आप अपने साथ भी इंजस्टिस कर रहे हैं क्योंकि कोई भी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे रेबीज सबसे खतरनाक बीमारी है और फैटल डिजीज है। आपको एक बार अगर रेबीज होगी तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका केवल समाधान केवल वैक्सीनेशन है। तो आपको अपने पेट को वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए और रेबीज तो खासतौर से कराना चाहिए। अब मैं आपको 2-4 मुख्य बीमारियों के नाम आपको बता देता हूँ जो पेट्स में होती है। एक कैनाइन पार्वो वायरस, इट कैनाइन पार्वो वायरस इज इक्वल टू कोरोना वायरस। पार्वो वंस एक बार पार्वो आपके पप्पी को हो गया तो आपको 7 times, 8 times, 10 times, 10 days में आपका पेट रिकवर होगा और किसी किसी केस में वो डेथ भी हो जाती है, 10 में से 8 केस बच पाते हैं, 1-2 केस में पार्वो हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा एक कैनाइन डिस्टेंपर वायरस दूसरी बीमारी है। कैनाइन डिस्टेंपर का देयर इज नो ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, कहीं भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का। एक बार कैनाइन डिस्टेंपर हो गया तो समझो आप उसकी डेथ होनी होनी है। और बहुत सारी बीमारियां हैं, कैनाइन एडिनो वायरस टाइप 1 टाइप 2, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, बहुत सारी बीमारियां हैं। एक रेबीज सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है, रेबीज का टीका हमेशा डॉग्स को 3 महीने के इस पर लगवाना नहीं चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तीसरा डॉग्स को आपको घुमाना भी है, अगर आप अपने डॉग्स को नहीं घुमाएंगे पार्क में या बाहर नहीं घुमाएंगे तो आप उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, क्रुएल्टी कर रहे हैं क्योंकि जैसे हम लोग भी बाहर फ्री मूवमेंट होता है इनका भी फ्री मूवमेंट्स बहुत जरूरी है। फ्री मूवमेंट्स इनका अगर नहीं होगा, अगर आप इनको कन्फाइंड रखेंगे किसी कमरे में बंद करके, ये इरिटेट हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे और उसके बाद जब इरिटेट और डिप्रेशन आ जाएंगे तो ये बाइटिंग करते हैं। आजकल आप देख रहे हो कि बाइटिंग के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं दिल्ली NCR में जितने मेट्रो सिटीज हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि डॉग स्ट्रेस में रहता है, डॉग को घूमना फिरना नहीं मिलता है और डॉग अक्सर जब बीमार होता है तो उसको टाइमली वेटरनरी डॉक्टर के पास नहीं ले जाता तो डॉग डिप्रेशन में आ जाता है, इसलिए बाइटिंग के केसेस पेट डॉग्स में बढ़ रहे हैं। बहुत सारे अपने केसेस सुने होंगे NCR में, बहुत सारे हैवी बाइटिंग हुई है, बहुत सारे पुलिस केस दर्ज हुए हैं। तो पेट्स के लिए बहुत जरूरी है, उसको स्पेशियस जगह चाहिए, उसको घुमाना भी चाहिए, उसका वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए, उसका ग्रूमिंग भी कराना चाहिए, ये सब चीजें अत्यंत जरूरी है जी।
बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई प्रहलाद सर, कि जिस तरह से 3 महीने के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको जानकारी नहीं होती है, 3 महीने के अंदर आप वैक्सीनेशन कराएं अपने पेट का, चाहे वो डॉग हो चाहे वो कैट हो। इसी के साथ ही पानी से 3 महीने तक ना नहलाया जाए, बहुत सेंसिटिव होते हैं स्टार्टिंग में जब छोटे होते हैं डॉग्स। और इसी के साथ ही मल्टी विटामिन और कैल्शियम उन्हें तय समय पर देते रहें, जब जिस तरह से आपने मैच्योरिटी की बात की। लेकिन इस बीच मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर कि बहुत लोग सोचते हैं कि कैट पालना बहुत आसान होता है या फिर डॉग पालना आसान होता है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि असल में कैट पालना ज्यादा आसान है लोगों के लिए या फिर डॉग पालना, क्योंकि काफी लोग सोचते हैं अगर हम डॉग पालेंगे और कैट नहीं पालते हैं या फिर कैट पालते हैं डॉग नहीं पालते हैं तो जिम्मेदारियां हमारी कम हो जाएगी, हमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कामकाज बढ़ेगा नहीं। हाँ, आप तो बिल्कुल कहना सही है। देखिए, डॉग्स एंड कैट्स का फैशन मेट्रो सिटीज में बहुत बढ़ता जा रहा है, पेट इंडस्ट्री आए दिन ग्रो हो रही है, कैट्स भी एक फैशन हो गया घर पे रखना। कैट्स में आप डॉग्स के बजाय कैट्स में जो एक्टिविटीज है वो बहुत कम है, क्योंकि कैट्स को एक तो बाहर घुमाना नहीं पड़ता, और कैट्स में सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एक लीटर आता है, वो जैसे यूरिनेशन या डेफिकेशन करेगा तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे करेगा, उसके लिए कैट लीटर आता है जी। उसको घुमाने के लिए हमें कोई व्यवस्था नहीं करनी है, वो घर के अंदर एक कोने में कैट लीटर होता है, वो रख देते हैं, बावल में पाउडर होता है, वो उसको स्मेल करती है, उसी में वो डेफिकेट करेगा, उसी में यूरिनेट करेगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा, और कैट जो है ना, कैट को कन्फाइंड नहीं रख सकते, कैट को हम कॉलर या लीस लगा करके नहीं रख सकते, कैट घर में कहीं भी किसी भी एरिया में घर बैठ जाती है। और फिर दूसरा, इजी हैंडल है, कैट को हैंडल करना बहुत इजी है जी। छोटा एनिमल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कैट्स में बीमारियां भी बहुत कम होती हैं, तीन चार तरह की बीमारियां होती है, एक आपका कैल्शी वायरस है वो बीमारी होती है, एक आपका ट्राइकोराइनाइटिस होती है, और तीसरा पेनलिकोपेनिया होता है, तो तीन तरह की बीमारी होती है, और रेबीज होती है छोटी बीमारी। तो ये वैक्सीनेशन एवरी ईयर कैट में रखना चाहिए, और कैट में ग्रूमिंग की भी कमी जरूरत पड़ती है, ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा एनिमल है, आप घर पे आप ग्रूमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कैट पालना ज्यादा आसान है डॉग के बजाय, कैट को हम बहुत अच्छे से मतलब रख सकते हैं, उसमें हमारी जो है ना एक्सरसाइज बहुत सारी कम हो जाती है, और हमारे एक्सपेंसिस भी बचते हैं, क्योंकि डॉग में जो फीडिंग क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, कैट में क्या है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वो लेती है दिन भर में, और डॉग में ज्यादा फूड लेते हैं, इकोनॉमिकल भी है कैट को रखना हमारे लिए, जो ओनर्स जो चाहते हैं रखना कैट वो इकोनॉमिकल पड़ेगा जी। सर, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने इससे पहले भी बताया था कि डॉग्स के लिए उनको घुमाना, बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे हम नॉर्मल लोगों के लिए बात करते हैं कि एक समय पर आके हमारे लिए भी जो फ्रेश इन्वायरमेंट है, घूमना फिरना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि हम डॉग्स को टहला नहीं पाते हैं, उनका वेट बढ़ता रहता है और आगे जाके बीमारियाँ उनको ही हो जाती हैं। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो बिजी शेड्यूल के चलते इतना समय नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि शुरुआती समय में आपने मुझे बताया कि एक ऐसा इंसान घर में उनके लिए ज़रूर होना चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके, और घर में भी स्पेस उनके लिए इतना होना चाहिए कि अगर आप उनको बाहर नहीं लेकर जा रहे हैं तो वो घर में ही घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, खेल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और वो लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं पेट पालने की, डॉग घर में लाने की, ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर उनके घर में स्पेस घूमने के लिए नहीं है तो उनको स्मॉल ब्रीड अडॉप्ट करनी चाहिए, अगर उनका घर छोटा है तो उनको स्मॉल ब्रीड रखनी चाहिए। दूसरा, अगर वो कहीं मान लिया सपोज किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी मैरिज पार्टी में अटेंड करने जाते हैं, या कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम है, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अपने पेट्स को छोड़े तो कहाँ छोड़े? बिल्कुल, क्योंकि घर में उसको रख नहीं सकते। आजकल बहुत सारे बोर्डिंग हाउस बने हुए हैं डॉग्स के, जहाँ पे उनकी एक्सरसाइज, जहाँ पे उनका हाउसिंग, जहाँ पे उनका फीडिंग, जहाँ पे उनका वाटरिंग बहुत अच्छे तरीके से होता है, वहां पर डॉग को छोड़ना चाहिए। वहां तो डॉग्स का फ्री मूवमेंट होगा, उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, और उसको अगर वेटनरी केयर की जरूरत होगी तो वहाँ वेटनरी डॉक्टर भी होते हैं बोर्डिंग हाउस में, वहां उनको केयर भी मिलेगी। तो ये मतलब डॉग को घुमाना फिराना, जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, इनका घुमाना फिराना फिरना भी बहुत जरूरी है इनकी सेहत के लिए। होता क्या है कि डॉग ओबीज हो जाते हैं, अगर आप उनको नहीं घुमाएंगे तो ओबीज हो जाएंगे। ओबेसिटी के कारण क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, लीवर फंक्शन
डिसफंक्शन हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाती है। बहुत सारे डॉक्टर्स हमने देखा है किडनी फेलियर होते हुए, लीवर डिसफंक्शन होते हुए, कफिंग है, ब्रोंकाइटिस है, हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर आप उनको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं देंगे। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बात बताई उन लोगों के लिए, खासकर जो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम अपने लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना, तो जब हम पेट्स को घर में ला रहे हैं वो भी हमारे एक सदस्य की तरह ही हो जाता है एक समय पर आके। उतना ही प्यार वो भी हमसे करते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है उनके लिए कि हम भी उनको उतना प्यार दें और इतना हेल्दी इन्वायरमेंट दें कि उनको आगे जाकर कोई समस्या ना हो। अब सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने इससे पहले वैक्सीनेशन की का जिक्र किया था, कितना ज़रूरी हो जाता है वैक्सीनेशन पेट्स के लिए भी और खासकर कि लोगों के लिए भी, जिनके साथ जो फैमिली में वो आ रहे हैं उन फैमिली के लिए भी, लोगों के लिए भी और पेट के लिए भी, अगर कोई डोज छूट जाती है, कोई वैक्सीनेशन छूट जाती है, आने वाले समय में कितनी दिक्कतें बढ़ जाती हैं दोनों के लिए? देखिए, वैक्सीनेशन इज एज एसेंशियल एज अवर फूड। विदाउट वैक्सीनेशन पेट बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी डिजीज जो है ना जेनेटिक, जैसे रेबीज है, रेबीज इज ए जेनेटिक डिजीज, इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमन। तो इसके लिए बहुत वैक्सीनेशन इज एसेंशियली रिक्वायर्ड। विदाउट वैक्सीनेशन पेट लोगों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे आप रिस्क पे रहेंगे हमेशा, यू विल ऑन रिस्क, नंबर दो। दूसरा मैंने बताया था डिवर्मिंग, डिवर्मिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इनके अंदर वर्म्स होते हैं, जैसे राउंड वर्म्स है, आपका टेप वर्म्स है, वो वर्म्स ह्यूमन में भी होते हैं, सेम वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो कभी कभी जो है ना, जो बच्चे या पेट पेरेंट्स जो टच में रहते हैं डॉग्स के, वो उनको भी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है अगर आप घर में पेट ला रहे हो। कहा जा सकता है जिस तरह से एक छोटा बच्चा हमारे घर में आता है उसकी तमाम जिम्मेदारियां हम निभाते हैं, तमाम चीजें मुहैया कराते हैं, ऐसे ही एक पेट को भी रखना पड़ता है, चाहे वो बिल्ली हो चाहे वो कुत्ता हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो काफी महत्वपूर्ण चीजें सर आप बता रहे हैं और ये जानकारी जो लोग दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बहुत से लोग जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि घर पर ले तो आते हैं पेट्स को, लेकिन उतनी जिम्मेदारी से वो उनको पालते नहीं है, उनकी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते और यही वजह है कि आगे जाकर वो जो बीमारी है वो और ज्यादा बड़ी हो जाती है और दिक्कतें दोनों को ही हो जाती हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कई लोग कई घरों में बुजुर्ग होते हैं, तो क्या ऐसा भी है कि बुजुर्ग को देखते हुए क्योंकि के हम पेट्स को पालें, ऐसा भी कुछ होता है क्या? सर, मेरा सवाल ये है कि कई परिवार में, फैमिलीज में बुजुर्ग भी होते हैं, ओल्ड एज पीपल भी होते हैं, जो क्या उनके लिए जो पेट्स हम पाल रहे हैं वो सही होते हैं, उनसे उनकी हेल्थ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हम ऐसे घर में पाल सकते हैं जो पेट्स हैं जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं? देखिए, इसमें क्या है कि घर में सभी तरह के लोग रहते हैं, चिल्ड्रन भी रहते हैं, पेट पेरेंट्स भी रहते हैं, बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, बट पेट्स अगर बुजुर्ग के कॉन्टेक्ट में रहेगा तो अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है, डॉग आपका डिवर्म्ड है, हेल्थी है, तो बुजुर्ग के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि बुजुर्ग को थोड़ा डॉग के टच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में जाके इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी डिजीज है जो ह्यूमन टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन हो जाए, वो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अदरवाइज जितने भी ओल्ड पर्सन हैं वो डॉग रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर केयर ठीक से ली जाए। बिल्कुल, और सर ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से इंसानों में कई बार होता है मूड स्विंग्स हो जाते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं जो लोग हैं, ये नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही क्या पेट्स में भी होता है, डॉग्स और कैट्स में भी होता है, और अगर ऐसा होता है तो कैसे पता लगाया जा सके? कई बार होता है कि सर आवाज मिल रही है आपको प्रॉपर? सर, मेरा सवाल ये है कि कई बार होता है कि इंसानों में भी ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, हमें कई बार हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, हमें कुछ खाने का मन नहीं करता, तो क्या ऐसा पेट्स में भी होता है, और अगर ऐसा होता है तो वो कैसे हमें पता चले? ये ह्यूमन के साथ साथ पेट्स में भी होता है, क्योंकि अगर पेट्स को आप टाइमली उसको फूड नहीं देंगे, टाइमली उसको वाटर नहीं देंगे, टाइमली उसकी केयर नहीं करेंगे, तो वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे ह्यूमन भी डिप्रेशन में आता है, इनको लोनलीनेस नहीं चाहिए, ये इन लोगों को भी कंपनी चाहिए एक्चुअली। विदाउट कंपनी ये नहीं रह सकते, विदाउट कंपनी रहेंगे तो ये चिड़चिड़े हो जाएंगे,
आपका बाइटिंग करेंगे, आपका शेक हैंड नहीं करेंगे आपके साथ, आपके साथ वो डिप्रेशन में वो डॉग अकेला लोनली अकेले मकान के अंदर बैठा रहेगा। जब पेरेंट्स घर पे आते हैं तो वो पेरेंट्स विल मतलब पेरेंट्स जैसे आएंगे तो डॉग तुरंत उठ के आएगा और आप देखते हो वो अपने जो अगले जो पैर है वो उसके कंधे पर रख लेता है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। और तो ये बहुत जरूरी जी सर, अगर हम कैट्स की बात करते हैं, पर्शियन कैट्स की, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ऐसे समय में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये भी जरा बताइएगा। यस, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कैट ऑनर जितने भी हैं, मैं उनको सबको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, कैट जब प्रेग्नेंस हो जाती है प्रेग्नेंट, तो उसको सबसे पहले हमें जैसे टिटनेस का टीका उसको लगना चाहिए। होता क्या है कि डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारे पप्स टिटनेस की वजह से डेथ हो जाती है उनकी, उनको कोई नहीं बचा पाता। क्योंकि दूसरा क्या है, बहुत सारी डिजीज हैं कैट्स की, उनका वैक्सीनेशन भी टाइमली होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डिजीज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी हो जाती हैं और कैट्स जो है ना मोर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कैट्स में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर ये भी बताइएगा, क्योंकि कैट्स की मीटिंग के लिए कई बार होता है कि हमें मेल नहीं मिल पाते हैं, मेल कैट्स जो है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें ढूंढना, और अगर हम किसी दूसरे के पास लेकर भी जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बीमारियां उनको हो जाती हैं और आगे जाके वो लाइलाज हो जाती हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली क्या है कि मेटिंग के लिए प्रॉब्लम आती है, जो बहुत सारे ब्रीडर हैं दिल्ली में, जितने भी कैट ब्रीडर्स हैं वो मेटिंग के लिए एक मतलब सायर मेल तैयार रखते हैं जो केवल मेटिंग के पर्पज का होता है। उस सायर का हेल्थ चेकअप होना चाहिए मेटिंग से पहले, अगर मेटिंग से पहले उसको कोई डिजीज नहीं है, टोटली वैक्सीनेटेड है, तो उससे मेटिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं होती। हेल्दी पप होते हैं, हेल्दी बच्चे होते हैं, हेल्दी किटन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले हेल्थ चेकअप होना जरूरी है, फुल्ली वैक्सीनेशन होना चाहिए, डिवर्मिंग उसकी होनी चाहिए और इट विल बी लुक्स लाइक हेल्दी। बिल्कुल। और सर साथ ही साथ मुझे डॉग्स के बारे में बताएं, जो फीमेल डॉग्स होते हैं उनके डिलीवरी के समय में क्या करना चाहिए, किस तरह से एहतियात बरतने चाहिए, क्योंकि उस समय ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनका खास तरह से ख्याल रखना। बिल्कुल, डिलीवरी के टाइम में क्या होता है कि एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी उनको बता दी जाती है पेट ओनर्स को, कि इसका डेट ऑफ डिलीवरी एग्जैक्टली इनका जो गेस्टेशन पीरियड है 60 से 62-63 डेज होता है। तो हम जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको सबको बता दिया जाता है कि ये डेट आपकी वेरीड कर सकती है एक दो दिन। जब जहाँ तक डिलीवरी का सवाल है, डिलीवरी के लिए हमारे पास ट्रेंड कंपाउंडर्स होते हैं, ट्रेंड हमारे पास पर्सन होते हैं, क्योंकि डिलीवरी मोस्टली लोग घर में करवाते हैं जी, वो क्लिनिक पे नहीं ला पाते डिलीवरी के लिए, तो हम वहाँ अपने एक ट्रेंड पर्सनल को भेज देते हैं, वो केयर करता है। अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर ऑलवेज रेडी रहता है, क्योंकि डिलीवरी में क्या होता है कि जितने भी बेबीज आते हैं, फीटस आते हैं, वो पर्टिकुलर उसमें आते हैं, कैप्सूल में आते हैं, पर्टिकुलर कैप्सूल को खोल करके बच्चों को जो है ना तुरंत साथ के साथ मिल्किंग पे लगा देना चाहिए, वो सबसे बड़ी केयर है। दूसरा, उनका जो नेवल कॉर्ड होती है वो स्टरलाइज, उससे सीजर से उसको जो है ना एक धागे से, स्टरलाइज धागे से बाइंड कर दिया जाता है, ये सबसे बड़ी केयर। और फीडिंग बहुत जरूरी है, पैदा होते हैं उनको फीडिंग करा देनी चाहिए। बिल्कुल, फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सर अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने घर में फॉरेन डॉग्स या फिर कैट्स को लेकर आते हैं, पालते हैं, लेकिन वहाँ के इन्वायरमेंट में और यहाँ पर, यहाँ के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो वो लोग किस तरह से उनको रख सकते हैं घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो बीमार हो जाते हैं, तो वो किस तरह से एहतियात बरत सकते हैं? यस, देखिए, जितनी भी डॉग ब्रीड्स यहाँ इंडिया में लोग ले रहे हैं, दीज आर ऑल द फॉरेन ब्रीड्स, सब बाहर के ब्रीड्स हैं, चाहे वो डलमेशियन है, चाहे वो सेंट बर्नार्ड है, चाहे वो लेब्राडोर है, चाहे वो जर्मन शेफर्ड है। फॉरेन ब्रीड्स में इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है, इनसे ज्यादा इम्यूनिटी लेवल हमारे इंडियन डॉग्स में होता है। इंडियन डॉग्स आर मोर इम्यून देन द फॉरेन ब्रीड्स, इसलिए आप देखते होंगे, आप जितने भी आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स बहुत कम बीमार होते हैं इन कंपैरिजन टू फॉरेन ब्रीड्स।
तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर उसकी इम्यूनिटी बना के रखनी है अपने फॉरेन ब्रीड्स की जो पालक है उसके लिए बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी ठीक मेंटेन रहती है अगर वो टाइमली उनको मल्टीविटामिन से, कैल्शियम है, एमिनो एसिड से, अच्छी क्वालिटी का फूड है अगर वो देते हैं तो इम्यूनिटी बनी रहती है। बिल्कुल, तो जो लोग उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं फॉरेन डॉग्स या फिर कैट्स को अपने घर में लाना, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जानना। yes. आप समय पर मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम उन्हें दें तो बेहतर तरीके से वो रह पाएंगे और अच्छी ग्रोथ उनकी होगी। सर, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपने हमें बताई, हमारे दर्शकों को बताई कि अगर कोई प्लान कर रहा है अपने घर में पेट पालने के लिए तो किस तरह से क्या एहतियात बरते, कौन कौन सी चीज़ों का पालन करें और किस तरह से वो उनकी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज हम एनिमल्स के ऊपर बात कर रहे थे, पेट डॉग्स, पेट कैट्स। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपने घर में लाने की तो आप उससे पहले आपको जानना ही बेहद ज़रूरी है कि कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बच्चे की तरह ही पेट्स भी हमारे घर में आते हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखें। मूड स्विंग, चाहे हम तबीयत खराब हो जाए, हमारी भी होती है तो हम चिढ़ जाते हैं, तो वो कैसे पता लगाया जाए, कैसे पता लगने पर डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। वैक्सीनेशन से लेकर तमाम चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए थे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने हमें बताई और आपने भी सुनी होगी, तो प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो उनका ज़रूर ख्याल रखें। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश हेलो डॉक्टर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।